हाय, मैं हूँ विनोद यादव। वेलकम बैक टू चैनल। और सबसे जरूरी बात, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश एक अच्छा इंसान बनने की। तो मॉर्निंग का अभी कुछ 10:30-11 बज निकला चुके हैं। एक्चुअली आजकल थोड़ा सा लेट उठ रहा हूँ मैं। तो अभी उठ के देखा तो एक ऑडिशन आ चुका है मुझे, तो वो ऑडिशन को बना के देना है कुछ 2 बजे के आसपास। तो फटाफट से फ्रेश हो जाते हैं और ऑडिशन बना के भेज देते हैं। तो देखते हैं इसका क्या रिप्लाई आता है। अगर रिप्लाई ओके आ गया तो फिर बाहर निकल जाएंगे ऑडिशन देखने के लिए, नहीं तो फिर वापस से बना के देना पड़ेगा। तो चलते हैं फिर और देखते हैं। तो एयरपोर्ट तो ऑलरेडी रेडी है, तो ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो फटाक से प्रिपेयर कर लेता हूँ ऑडिशन, और थोड़ा सा दाढ़ी भी करना है क्लीन। वो क्लीन करने के बाद फिर ऑडिशन बना के भेज देता हूँ। थोड़ा दाढ़ी भी बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा दाढ़ी भी करना है। तो दाढ़ी करने के बाद ऑडिशन बना के भेज देता हूँ मैं। तो अभी 10-15 मिनट में दाढ़ी कर लेता हूँ फटक से, फिर उसके बाद ऑडिशन बना के भेज देता हूँ। तो ये एक ऐड का ऑडिशन था, तो कुछ खास था नहीं इसके अंदर, सिर्फ थोड़ा सा बोलना था, डायलॉग देना था और बस। ये था थोड़ा सा रिएक्शन और डायलॉग वेलॉग बोल के फिर खत्म करते हैं, क्योंकि ऐड का तो ज़्यादा कुछ तो रहता नहीं है। तो देख चुका हूँ, देखता हूँ आगे क्या होता है। फिर शूट करके हो चुका है, पूरी हालत खराब हो चुकी है, पूरा पसीना पसीना हो गया एकदम। तो देखते हैं अभी उनका क्या रिप्लाई आता है। मुझे कपड़ा तो ये उतारूंगा नहीं अभी जो है, क्योंकि अभी जब तक ओके नहीं आ जाओ फिर से उतारो फिर से लगाओ तो थोड़ा बोरियत हो जाती है। तो अभी वेट करता हूँ, भेज तो दिया हूँ मैंने ऑडिशन, देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है सामने से। अगर रिप्लाई ओके आ गया तो ठीक है, फिर उतार दूंगा, नहीं तो फिर वापस से बना के देना पड़ेगा शायद से। तो चलते फिर, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा मूवी देखते हैं, उसके बाद देखता हूँ फिर क्या रिपोर्ट आता है आगे का। तो अभी पानी आ चुका है, लेकिन बहुत स्लो है पानी, बहुत धीरे धीरे आ रहा है। तो ड्रम भी खाली बहुत हो चुका है, तो इसको भी भरना है। तो पीने का पानी तो भर लिया मैंने, तो ये भी भर लेता हूँ पानी धीरे धीरे से। तो अभी 4:30-5 बजने के लिए आ चुके हैं। तो जो ऑडिशन दिया था मैंने दोपहर को, तो उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया है। तो रिप्लाई के चक्कर में थोड़ा सा मैं मूवीज़ रुक गया था घर पे ही, और सोचा तो रिप्लाई वापस शायद बना के देना पड़े मुझे, तो रुक गया था। और फिर अपना मूवीज़ देखना चालू कर दिया, जो ऑस्कर अवार्ड विनर मूवी है, वेब सीरीज है, ये सब, तो वही सब देख रहा था। तो अभी उठाऊँ थोड़ा सा, बीच में आधा घंटा सो गया मैं, क्योंकि रात को 1:30-2 बज जाता है सोने के लिए, तो नींद आ गई थी तो सो गया था। तो अभी उठाऊँ तो अभी उनका कुछ रिप्लाई आया नहीं है, तो देखता हूँ अभी शायद फ़ोन करके देखता हूँ उनको, अगर कुछ उनका शब्द भूल गया रहेंगे रिप्लाई देने के लिए, तो उनको कॉल करके पूछता हूँ कि सर वापस से बना के देना या ओके है, नहीं तो फिर ऑडिशन देखने के लिए शायद निकलूँगा या नहीं निकलूँगा। तो देखते हैं कैसा क्या है, तो पहले उनको कॉल करके देखते हैं और फिर उसके बाद देखता हूँ आगे कैसा क्या है। कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल किया था तो उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो सोचो मैंने सोचा चलो फ्रेश होते हैं और चलते हैं ऑडिशन देखने के लिए। तो चलते हैं और मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से, अभी कुछ 1.5 घंटा बचा रहेगा उसमें मिल लेते हैं। ऑडिशन देखने के लिए निकल आया हूँ, तो चलते हैं और मिलते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से, देखते हैं अभी कुछ 1 घंटे के आसपास बचा है, तब तक मिल लेते हैं लोगों से। तो अभी शाम हो चुकी है और 2-3 ऑफिस में जाने को मिला, तो ज़्यादा लोगों से बात तो हुई नहीं है, तो देखता हूँ। अभी तो डायरेक्ट घर की तरफ निकल रहा हूँ, तो ऐसे ही लाइफ है, जब तक आप कुछ बड़े नहीं बन जाते आपको लोगों से मिलना जुलना ही पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो,
तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।